सो हे गाइस, फाइनली यहां पर मोटोरोला 7 जुलाई को इंडिया के अंदर मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस का एक लाइटर वेरिएंट लॉन्च करने वाला है, जो कि एक बजट सेगमेंट में आने वाला काफी अमेजिंग स्मार्टफोन होगा। तो आप में से जितने भी लोग जिनका बजट 10 से लेकर 13,000 रुपए के बीच में है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मोटोरोला की तरफ से काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस के परफॉर्मेंस को लेकर। तो स्नैपड्रैगन 710 का पावरफुल चिपसेट आपको इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि एक काफी पावरफुल चिपसेट है और आप इसमें बहुत ही इजीली तरीके से कोई भी हेवी गेम खेल सकते हैं। तो नो डाउट कि आपको इस डिवाइस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेरे डिवाइस में भी कोई भी गेमिंग को लेकर इशू देखने को नहीं मिलता है। तो आपको भी परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही में अगर बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की एक पावरफुल बैटरी आपको इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि 15 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें इस डिवाइस के बैक साइड के बारे में, तो बैक साइड के अंदर आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के जैसा ही एक सिमिलर डिजाइन देखने को मिलेगा, जो कि क्वाड रियर कैमरे के सपोर्ट के साथ आने वाला है। और प्राइमरी कैमरा आपको इस डिवाइस का 48 मेगापिक्सल्स का देखने को मिलेगा। उसके साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल्स का एक मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही में आपको बैक साइड के अंदर ही फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में, तो 6.5 इंच का आपको एक HD प्लस का एक IPS LCD पैनल का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आने वाला है। और सेल्फी के लिए आपको 8 मेगापिक्सल्स का एक सेल्फी शूटर इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको काफी डिसेंट कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी फ्रंट साइड के अंदर। एंड उसके साथ ही अगर बात करें इस डिवाइस की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एंड्रॉइड 10 के साथ आपको स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस और UI को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। साथ ही में अगर बात करें इस डिवाइस के प्राइसिंग के बारे में, तो इस डिवाइस का आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि 6GB रैम के साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज ऑफर करेगी, जिसकी प्राइसिंग आपको 12 से लेकर 13,000 रुपए के बीच में देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें लॉन्च डेट की, तो 7 जुलाई को इंडिया के अंदर इस डिवाइस को लॉन्च किया जाएगा। तो क्या आप इस डिवाइस को परचेस करना पसंद करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो फाइनली, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।